या कुछ मान लीजिए कि आपका पॉइंट्स वगैरह आपको दे दे रहे हैं, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। पहला नंबर, हमेशा एक बात को याद रखना कि स्टोरी लिखते वक्त में क्या होता है, 99% जो है आपका पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। क्या चीज का इस्तेमाल होगा? पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। कोई कोई स्टूडेंट का कहना है, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए घटना बीते हुए समय में घट ही चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी बरकरार है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, 3 दिन पहले आपके पापा आपको एक तगड़ा मारे हैं, ठीक है, 3 दिन पहले आपके पापा आपको एक तगड़ा अगर मार दिए हो, सपोज मान लीजिए, लेकिन उसका तगड़ा जो घड़ी महफिल के सामने जो पापा आपको मारे थे, ठीक है, लेकिन पता चला कि उसका दर्द नहीं, चोट नहीं, बल्कि उसका फीलिंग इंसल्टेंसी का अभी भी आपको ना मार में बार बार आपको बोले तो क्या हो रहा है, आपके दिल में हर्ट में जाते जाते हो, यहाँ का कर रहा है, हर्ट कर रहा है, एच यू आर टी, हर्ट कर रहा है। इसका मतलब उसका इफेक्ट अभी भी है। तो इस तरह का अगर मान लीजिए कुछ भी अगर सेंटेंस अगर आप सोच रहे हो स्टोरी लिखते वक्त में, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि उस वक्त में हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड नंबर बात, आपको कुछ और बात बता दे रहे हैं, स्टोरी लिखते वक्त में सही स्टोरी जानती है उस स्टूडेंट को 10 में 10 मिलता है। स्टोरी लिखते वक्त हमेशा एक चीज याद रखना कि आप स्टोरी अपने लिए नहीं लिख रहे हो, ठीक है, स्टोरी हमेशा फॉर अदर्स, मींस सेकंड पर्सन, ठीक है, स्टोरी आप हमेशा जो है सामने वाला व्यक्ति के लिए लिख रहे हो, मींस हमेशा स्टोरी ऐसा लिखिए कि लिखने के बाद में क्या हो कि सामने वाला व्यक्ति जब आपका स्टोरी पढ़े तो आपका स्टोरी हमेशा स्वीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वीट। और हमेशा आपकी स्टोरी में जो है ना कुछ एक सस्पेंशन टाइप का कुछ होना चाहिए, डाउट झलकना चाहिए स्टोरी में, हमेशा आपका डाउट झलकना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, चारों लड़के आपस में लड़ते झगड़ते थे। एक दिन किसान अपने चारों लड़कों को एक अपने कमरे में बुलाया, अब का होगा रे पगला, चारों लड़कों को बैठ के जो किसान जो समझाया, अब सब कोई जब स्टोरी पढ़ रहा है ना, तुम लोग ये वाला कहानी जानते हो तो इस वजह से जानते हो क्या हो रहा, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ऐसा कहानी लिख रहे हो या मान लीजिए कुछ दिल का बात लिख रहे हो, कुछ ऐसा बात लिख रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप स्टोरी तो लिख के आ जाइए, लेकिन आपको रीडिंग कौन करेगा? आपको स्टोरी आप पढ़ी करिए रीडिंग, सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा जब एग्जामिनर आपका पेपर को जो मान लीजिए कि जब वो चेक करेगा, तो चेक करते वक्त में क्या हो रहा है ना, उस सामने वाले को फील नजर आना चाहिए कि हाँ सच में बंदा स्टोरी लिखा है। और एक बात अपने दिमाग से ये हटा देना स्टोरी लिखते वक्त में कि डजंट मैटर कि आप जो है बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मान लीजिए स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल का मान लीजिए कोई हार्ड वर्ड मीनिंग, ठीक है, हार्ड वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टोरी लिखते वक्त में हमेशा एक चीज याद रखना, अगर स्वीट और 10 out of 10 अगर पाना चाहते हो तो हमेशा इजी वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, इजी वर्ड, जो वर्ड आप डेली यूज करते हैं। और एक बात, स्टोरी लिखते वक्त में अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए आपका पॉइंट्स वगैरह अगर दिया हुआ है तो एक भी पॉइंट्स को छोड़िए, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर 200 पॉइंट्स को अगर छाप दे रहे हैं तो क्या होगा, आपका 10 लाइन बनेगा, और 10 लाइन बनने के बाद में क्या हो रहा है, आपका 100 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टोरी हम अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश